हेलो सब गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि त्रिघात समीकरण का फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि त्रिघात समीकरण का फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है, तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि त्रिघात समीकरण का फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है, और साथ ही ये भी आपको मालूम चल जाएगा कि त्रिघात समीकरण या द्विघात समीकरण का भाग कैसे किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आपको त्रिघात समीकरण का फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है ये आपको मालूम हो जाए। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कि त्रिघात समीकरण का फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि 3x³ - 6x² + 5x - 2 = 0। तो हमें इस समीकरण में, यानी कि त्रिघात समीकरण है, इसमें हमें एक ऐसा मान रखना है जिसके चलते इक्वल टू जीरो आ जाए। तो हमें कौन सा मान रखना है? कोई भी आप मान रख लीजिए, एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, पाँच रखिए, कोई भी मान रखिए जिसके चलते ये इक्वल टू जीरो आ जाए। कोई भी हम मान LHS में रखते हैं एक्स के जगह पर, और हमारा RHS इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है इसका त्रिघात समीकरण टूटेगा, यानी कि त्रिघात समीकरण का फैक्टर टूटेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम x बराबर 1 लेते हैं। तो x बराबर 1 लेते हैं, तो LHS में हम रखते हैं, ये x बराबर 1 LHS में हम रखते हैं, तो 3 ये हो गया 3 - 6 × 1² + 5 × 1 - 2, ये हो गया 3 - 6 + 5 - 2, ये 8 - 8 हो गया इक्वल टू जीरो। यानी कि हम x = 1 रखते हैं तो हमारा इक्वल टू जीरो आ जाता है, यानी कि हम जब भी इसको भाग देंगे तो यानी कि x - 1 से भाग देंगे, इसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x - 1 से हमें इसमें अभी भाग देना है, उसके बाद से इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो यहाँ पर रफ में इसको भाग दे दीजिएगा, अगर आपको भाग भी नहीं आता है तो इससे सीख लीजिए। ये x - 1 हो गया और आपको भाग देना है, 3x³ - 6x² + 5x - 2, ये आपका हो गया, इसको भाग देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि हमें यहाँ क्या दिया है, यहाँ 3x³ दिया है और यहाँ पर x - 1 है, यानी कि x है। तो हमें कौन सा मान हम यहाँ पर रखे कि हमें गुणा करने पर 3x³ बच जाए? तो जैसे देखते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं 3x², तो 3x² रखते हैं और 3x² में x से गुणा करते हैं तो 3x³ हो जाएगा, और -3x² ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। आपको दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला होता है इसमें हमको चिन्ह नहीं देखा जाता है, ये माइनस है, हम इससे कोई हमको लेना देना नहीं है, और यहाँ पर प्लस छिपा है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे यानी कि नीचे वाले से और सबसे ऊपर वाले से हमें लेना देना है कुछ भी। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हमारा कट जाएगा, और ये +3x² है और ये -6x² है, तो -6x² में से +3x² घटेगा तो -3x² बचेगा, ये 5x - 2 बचेगा, 5x - 2। तो फिर हम यहाँ पर -3x रखते हैं, तो -3x से गुणा करते हैं तो -3x² हो जाएगा, और -1 से -3x गुणा करेंगे तो +3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस ये माइनस ये भी कटेगा, और ये +5x ये -3x, तो हो जाएगा 2x - 2। फिर हम यहाँ पर +2 लेते हैं, तो फिर गुणा करेंगे तो 2x - 2 बचेगा, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कट जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि शेषफल जीरो है तो शेषफल को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं x - 1, और वो है 3x² - 3x + 2, ये हो गया इक्वल टू जीरो। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण का हो गया और ये रैखिक हो गया।
तो इसका तो मान हम x x बराबर x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x का मान एक एक मिल जाएगा, और दो और हमको मान चाहिए वो द्विघात समीकरण से हमको मिल जाएगा। इससे आपको हल्का हो गया, अगर हम फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, इसलिए हम उसको हमको इतना करना पड़ा, इससे हमको सवाल आसान हो जाता है। तो इसको देखिए, इसको सबसे पहले बनाइए, ये x माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्स बराबर वन, ये आपका एक मान हो गया। अब इसको आप फैक्टर तोड़िए, थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखिए दोस्तों, इसका फैक्टर नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो आप सबसे आसान तरीका है, इसको डी पर आप तोड़ लीजिए, इसको आप फैक्टर तोड़िए, नहीं टूटेगा, इसलिए इसको डी पर बैठाना पड़ेगा। डी पर कैसे तोड़ा जाता है वो भी देख लीजिए, ये हो गया ए बराबर थ्री हो गया, बी बराबर माइनस थ्री हो गया, सी बराबर टू हो गया, इसलिए डी बराबर, डी को विभेदकर यानी कि इसको विभेदकर कहा जाता है। ये देखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी स्क्वायर का मान माइनस थ्री है, इसका होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान थ्री है, सी का मान टू है, तो ये हो गया नौ हो गया, माइनस पच्चीस हो गया, चार तीन बार बार दून चौबीस हुआ, और इसमें से इसको घटा लीजिए तो आपको कितना मिलेगा, पंद्रह मिलेगा, माइनस पंद्रह, डी का मान माइनस पंद्रह आया। अब इसको, अब एक्स का मान कैसे निकलेगा तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस बी अंडर रूट डी बाई टू ए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। अब हमें बी की जगह पर क्या है हमारा, माइनस तीन है, माइनस तीन रख देंगे, और डी का मान हमने माइनस पंद्रह निकाले हैं, माइनस पंद्रह रख देंगे, और टू इंटू वन के जगह एक के जगह पर थ्री रख देंगे तो हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी द्विघात समीकरण का फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कुछ ट्वेल्थ का कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके मॉडल पेपर में आया है, और दोस्तों उसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पहले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए उसको भी आप याद रखिएगा, वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक।